हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने प्रैक्टिस टाइम देखा था। यस, उसमें फर्स्ट वन हमने देख लिया था और सेकंड वन से आज हम देखेंगे। तो सेकंड वन हमें क्या दिया गया है, चंदूस फादर इज कॉल्ड द यंग ओल्ड मैन इन हिज विलेज। चंदू के फादर है, उसे उसके विलेज में क्या बोला जाता है, यंग ओल्ड मैन। एट 70 ईयर्स ऑफ एज ही इज फुल्ली फिट। उसकी एज थी 70 ईयर्स और फिर भी वो इतने फिट थे। डू यू नो हिज सीक्रेट, क्या आपको पता है कि उसका सीक्रेट क्या है। ही गोज फॉर ए वॉक अराउंड द फील्ड एवरी मॉर्निंग। वो है, वो अपने फील्ड के अराउंड हर रोज वॉकिंग करते हैं। एवरी डे ही टेक्स 4 राउंड्स ऑफ चंदूस फील्ड। वो जो चंदू का फील्ड है उसके अराउंड 4 राउंड्स लगाते हैं, इसीलिए वो फिट है। देखो हमें यहाँ पर उसका फील्ड दिया गया है। यस, यहाँ पर हमें उसकी लेंथ एंड विड्थ भी दी गई है। सो व्हाट इज क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ही कवर्स। तो वो कितना डिस्टेंस हर रोज कवर करते हैं। हमें बोला है कि वो हर रोज 4 राउंड्स लगाते हैं। यस, तो हमें यहाँ पर डिफॉल्ट क्या दिया गया है, 4 मल्टीप्लाई बाय डैश। तो वो हर रोज कितने मीटर्स के अराउंड 4 राउंड्स लगाते होंगे। तो हमें क्या करना है, ये सभी का एडिशन करना है। फर्स्ट वन 150 मीटर प्लस 100 मीटर्स प्लस 150 मीटर्स प्लस 100 मीटर्स। सो सभी का हम एडिशन करेंगे, सो आंसर विल बी 500 मीटर्स। तो उसे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 500 इज इक्वल टू 2000 मीटर्स। सो ये किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 2 किलोमीटर्स, राइट। नंबर 3 इज गणपत वाइफ वर्क्स इन ए टेलर शॉप। गणपत की वाइफ है, वो एक टेलर की शॉप में जॉब करती है। शी हैज टू फिक्स लेस अराउंड ए टेबल क्लॉथ। उसे एक टेबल के अराउंड जो क्लॉथ है उसमें लेस लगाना था। शी बोट ए 100 मीटर रोल ऑफ लेस। तो उसने 100 मीटर का लेस का एक रोल लिया। लुक एट द पिक्चर ऑफ द टेबल क्लॉथ एंड टेल हाउ मच लेस इज यूज्ड फॉर 1 टेबल क्लॉथ। आपको यहाँ पर ये जो हमें पिक्चर दिया गया है उसमें देखना है एंड बताना है कि कितना लेस हमें चाहिए होगा। तो ये टेबल क्लॉथ के अराउंड लेस लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी पेरीमीटर फाइंड करनी पड़ेगी। यस, तो हम क्या करेंगे, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर प्लस 1 मीटर 50 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर, इन सभी का हम एडिशन करेंगे। सो आंसर विल बी 400 सेंटीमीटर। और अगर हम उसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 4 मीटर्स। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, 4 मीटर्स लेस इज यूज्ड फॉर 1 टेबल क्लॉथ। देन नेक्स्ट इज हाउ मच लेस विल बी यूज्ड इन 3 सच टेबल क्लॉथ्स। तो ऐसे 3 टेबल क्लॉथ्स बनाने हैं तो उसके लिए कितना लेस चाहिए होगा, 12 मीटर्स। कैसे, क्योंकि 1 के लिए 4 मीटर लेस चाहिए हैं। तो अगर 3 ऐसे बनाने हैं तो हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मीटर्स। सो आंसर विल बी 12 मीटर्स। नेक्स्ट वन इज हाउ मच लेस विल बी लेफ्ट इन द रोल। रोल में कितना लेस बचा होगा, तो उसने रोल है वो कितने मीटर्स का लिया था, 100 मीटर्स का, राइट। तो हम क्या करेंगे, 100 मीटर्स माइनस 12 मीटर्स, सो आंसर विल बी 88 मीटर्स। नेक्स्ट इज एक्टिविटी फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ दिस शेप। हमें यहाँ पर शेप्स दिए गए हैं, उसकी बाउंड्री हमें फाइंड करनी है। हिंट हमें दी गई है, यू कैन यूज ए थ्रेड। हम लोग थ्रेड का यूज कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर हमें जो ए बी सी एंड डी शेप दिए गए हैं उसके ऊपर हमें थ्रेड रखना है और उसका मेजरमेंट करना है और वहां से हमें थ्रेड कट कर देना है। तो हमें थ्रेड का पीस मिल गया, राइट।
उसे हमें स्केल के साथ मेजर करना है। तो स्केल के साथ हम मेजरमेंट करेंगे तो जितना थ्रेड लंबा होगा उतने सेंटीमीटर हमें ये जो शेप है उसका मेजरमेंट मिल जाएगा, उसकी हमें बाउंड्री मिल जाएगी। यस, तो ऐसे ही हमें मेजर करके यहाँ पर उसके मेजरमेंट लिखने हैं। नाउ काउंट द स्क्वायर्स टू फाइंड आउट, और फिर हमें जो स्क्वायर है वो भी काउंट करना है कि उसमें कितने स्क्वायर्स आते हैं। यस, तो पहले तो हम यहाँ पर उसकी लेंथ फाइंड करेंगे। जो शेप ए है उसके थ्रेड की हेल्प से हमें लेंथ मिली है 11 सेंटीमीटर, शेप बी की 13 सेंटीमीटर, शेप सी की 12 सेंटीमीटर एंड शेप डी की 10 सेंटीमीटर। देन हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन ईच शेप, हर एक शेप में स्क्वायर्स कितने हैं। तो अभी जो हमने ये सेंटीमीटर का थ्रेड कट किया है उसे हमें ये जो ऊपर बॉक्सेस दिए गए हैं उसमें अरेंज करना है कि उससे हम अरेंज करेंगे तो हमें फाइंड करना कि उसमें कितने स्क्वायर्स है वो फिट होते हैं, राइट। तो जो शेप ए है उसमें 5 स्क्वायर्स आएंगे, शेप बी में 7 स्क्वायर्स, शेप सी में 6 स्क्वायर्स एंड शेप डी में 4 स्क्वायर्स है वो कम्प्लीटली आ जाएंगे, राइट। देन नेक्स्ट वन इज विच शेप कवर्स द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर्स, कौन सा ऐसा शेप है कि जो सबसे कम स्क्वायर है वो कवर करता है। तो आंसर आएगा शेप डी, क्योंकि शेप डी में 4 स्क्वायर्स ही है, राइट। नेक्स्ट वन इज विच शेप कवर्स द मोस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर्स, सबसे ज्यादा स्क्वायर्स है वो कौन सा शेप कवर करता है। तो उसमें आंसर आएगा शेप बी, क्योंकि शेप बी में कितने स्क्वायर्स आते हैं, 7 स्क्वायर्स, राइट। देन नेक्स्ट वन नंबर 2, टेक ए 20 सेंटीमीटर लॉन्ग थ्रेड, हमें क्या करना है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है वो थ्रेड लेना है। मेक डिफरेंट शेप्स बाय जॉइनिंग द एंड्स, और उसके एंड्स हमें ज्वाइन करके डिफरेंट शेप्स बनाने हैं। प्लेस ऑन द स्क्वायर्ड शीट ऑन द नेक्स्ट पेज, और फिर क्या करना है कि आपको स्क्वायर्ड शीट है जो हमें नेक्स्ट पेज पर दी गई है वहां पर रखना है। एंड फाइंड आउट, हमें जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए उसे फाइंड करना है कि हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन ईच शेप, और एक शेप में कितने स्क्वायर्स हैं। विच इज द बिगेस्ट शेप, कौन सा सबसे बड़ा शेप है। विच इज द स्मॉलेस्ट शेप, कौन सा छोटा शेप है। एंड हाउ लॉन्ग इज द बाउंड्री ऑफ ईच शेप, और हर एक शेप की बाउंड्री क्या है। तो जैसे हमने आगे ये वाले जो शेप दिए गए थे उसकी बाउंड्री फाइंड की, उसके स्क्वायर्स फाइंड किए, वैसे ही आप लोगों को ये अपने आप करना है। आप लोग पीछे नहीं कर सकते, तो आपकी जो मैथ्स बुक होती है स्क्वायर लाइन की वहां पर आप लोग जो थ्रेड है उसे रख के उसका मेजरमेंट कर सकते हो, राइट। तो ये एक्टिविटी आपको अपने आप करनी है। नेक्स्ट वन नंबर 3 इज हाउ मेनी डिफरेंट शेप्स कैन यू मेक बाय जॉइनिंग 2 स्क्वायर्स, आप लोग 2 स्क्वायर्स को ज्वाइन करके डिफरेंट शेप्स कितने बना सकते हैं। ड्रॉ देम ऑन द स्क्वायर शीट गिवन बिलो, और उसे हमें यहाँ पर जो स्क्वायर शीट दी गई है वहां पर हमें ड्रॉ करना है। हाउ लॉन्ग इज द बाउंड्री ऑफ ईच शेप, और उन सभी की बाउंड्री क्या है वो भी हमें फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पर हमने ए बी सी एंड डी डिफरेंट हमने 4 शेप्स बनाए हैं, यस। तो अभी हमें क्या करना है उसकी बाउंड्री फाइंड करनी है। तो बाउंड्री फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हर एक शेप है वो 1 सेंटीमीटर का है, राइट। तो अगर इसे हमें मेजरमेंट करना है तो हम क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो जो शेप ए है उसकी बाउंड्री क्या हुई, 8 सेंटीमीटर, राइट। तो ऐसे ही हम लोग सभी शेप की बाउंड्री है वो फाइंड कर सकते हैं, राइट। सो द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ शेप ए इज 8 सेंटीमीटर, वैसे ही शेप बी के लिए द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ शेप बी इज 6 सेंटीमीटर। देन द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ शेप सी इज 8 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ शेप डी इज 6 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही हमें ए बी सी एंड डी की बाउंड्री डिफरेंट मिली, यस। देन नेक्स्ट हमें क्या बोला है, ट्राई दिस एक्टिविटी विथ 3 स्क्वायर्स ऑल्सो, ये एक्टिविटी हमें 3 स्क्वायर्स के साथ भी करनी है।
राइट। तो देखो यहाँ पर हमने थ्री स्क्वायर के जैसा ड्रॉ किया है शेप ए बी सी एंड डी, राइट। तो उसके भी हमें बाउंड्री फाइंड करनी है सेम हमने ऊपर की वैसे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बाउंड्री फाइंड करने के लिए, ये भी हमें 1 सेंटीमीटर की स्क्वायर शीट दी गई है, यहाँ पर हर एक बॉक्स है वो 1 सेंटीमीटर की लेंथ का है, राइट। तो शेप ए है उसका क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो शेप ए है उसकी बाउंड्री हमें क्या मिली 8 सेंटीमीटर। वैसे ही हम बी सी एंड डी के लिए भी फाइंड करेंगे। सो द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ शेप ए इज 8 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द शेप बी इज 8 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ शेप सी इज 12 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ शेप बी इज 8 सेंटीमीटर, राइट। तो ऐसे ही हमने शेप ए बी सी एंड डी की डिफरेंट बाउंड्रीज है वो फाइंड की, राइट। तो यहाँ तक आप लोगों को टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर लेना है एंड वर्कबुक के जो मैं फोटोज भेजूंगी उसमें से वर्कबुक कंप्लीट कर लेनी है।